बाहरी उत्तरी जिले की टीम ने नरेला इलाके में एक अवैध एलपीजी गैस सिलेंडर गोदाम का किया भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार। दिनांक 24 अगस्त को स्पेशल स्टाफ बाहरी उत्तरी जिले के अधिकारियों को पुलिस स्टेशन नरेला के क्षेत्र में चल रहे एक अवैध गैस सिलेंडर रिफिलिंग गोदाम के बारे में सूचना मिली। अवैध गैस रिफिलिंग पंप स्थापित किए गए थे और घरेलू गैस सिलेंडर से वाणिज्यिक गैस सिलेंडर भरने में उपयोग किए जा रहे थे। अपराध की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर पवन यादव के नेतृत्व में एक समर्पित टीम गठित की गई। गुप्त सूचना पर दिल्ली के नरेला में गैस गोदाम के सामने पाना पापुसाई में स्थित एक परिसर में छापेमारी की गई। यह गैस गोदाम संतोष कुमार का था। गोदाम की तलाशी के दौरान गोदाम में वाणिज्यिक और घरेलू सहित लगभग 529 गैस सिलेंडर संग्रहित पाए गए। वहां 9 इलेक्ट्रिक पंप थे जो घरेलू गैस सिलेंडर से वाणिज्यिक गैस सिलेंडर भरने में इस्तेमाल किए जाते थे। खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता मामलों की टीम को सूचित किया गया और मौके पर बुलाया गया। जांच के दौरान सभी गैस सिलेंडरों को खाद्य सुरक्षा निरीक्षक शशिकाला द्वारा सुपरदारी पर गैस एजेंसी को सौंप दिया गया। इसके बाद एक मामला FIR और 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। अवैध गैस सिलेंडरों के परिवहन में इस्तेमाल किए गए कुल 5 टाटा एस वाहन, घरेलू सिलेंडरों से वाणिज्यिक गैस सिलेंडर भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 9 विद्युत पंप, 2 वजन तौलने वाली मशीनें, वाणिज्यिक और घरेलू सहित कुल 529 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं आरोपी की पहचान संतोष कुमार के रूप में हुई। फिलहाल मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।